मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन संधू, गुरु राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको हिंदी जो सब्जेक्ट करवा रही हूँ, टीचिंग सब्जेक्ट आपका हिंदी, तो हिंदी में आज आपको मैं फोर्थ यूनिट शुरू करवा रही हूँ। दो यूनिट पहले दूसरी मैंने आपको करवा दी, तो आज मैं आपको फोर्थ यूनिट शुरू करवा रही हूँ इसमें। तो फोर्थ यूनिट में आपका जो आज का टॉपिक है वो है परियोजना विधि। जो आज का टॉपिक है वो किस पे आधारित है? परियोजना विधि, यानी कि जो मैं आपको इसमें फोर्थ यूनिट में करवाऊंगी आपको हिंदी की शिक्षण विधियाँ। हिंदी की शिक्षण विधियों में यह सबसे पहली विधि है आपकी परियोजना विधि, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। यानी कि जो परियोजना विधि क्या होती है, योजना, जो हमारी योजना पद्धति है उसे हम प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। योजना विधि को शिक्षा प्रणाली में, जो हमारी योजना विधि है उसमें शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप, यानी कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें जो उसका योजना प्रणाली का व्यवहारिक रूप देने वाला, उसको व्यवहारिक रूप देने वाला, किसको? परियोजनावादी को। परियोजनावादी को शिक्षा में व्यवहारिक रूप देने वाले कौन हैं? हमारे अमेरिकन वासी कौन से? हेनरी किलपैट्रिक कौन से हैं? हेनरी किलपैट्रिक ये कहाँ की हैं? अमेरिका के हेनरी किलपैट्रिक हैं। जो हेनरी किलपैट्रिक थे, जो इनको, जो हमारी परियोजना विधि है इसको व्यवहारिक रूप देने वाले थे, जो अमेरिकन थे, वो कौन से थे? हेनरी किलपैट्रिक। उनका मानना था, उसके बाद जो हुए उसने कि जॉन डी वी पार्कर उन्होंने, जो अमेरिका के थे उन्होंने जॉन डी वी पार्कर मैरिथन जैसे जो शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने शिक्षा शास्त्री के शिक्षा सिद्धांतों पर इस पद्धति की जो रूपरेखा तैयार की थी 1918 में, कब की थी? 1918 में रूपरेखा तैयार की थी इस विधि की, किसकी? परियोजना विधि की, प्रोजेक्ट मेथड की। कि जो हमारे किलपैट्रिक थे, किलपैट्रिक ने जॉन डीवी के परियोजनावाद से क्या हुए? से प्रभावित था। वो थे जो हमारे किलपैट्रिक थे, हेनरी किलपैट्रिक थे, अमेरिकन से शिक्षा शास्त्री, वो हमारे जो जॉन डीवी थे उनके जो शिक्षा में परियोजनावाद था उससे क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। डीवी का विचार है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जो हमारे जॉन डीवी हुए हैं उनके विचार थे कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्हें क्या करना है? प्राप्ति उन सक्रिय अनुभवों द्वारा होती है जो हमें किसी वास्तविक, कि हम अगर नवीन ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या है, जो उन पर जो सक्रिय अनुभव द्वारा होती है, जो हमें किसी वास्तविक, जो हमारी वास्तविक समस्या है, समस्या अथवा कठिनाइयों के समाधान के समय क्या होती है? उपलब्ध होती है। कि अगर हम कोई भी योजना बनाते हैं, उस योजना में क्या करते हैं, परियोजनावादी में जो हमारी कठिनाइयाँ होती है उसके समाधान या समस्याएँ आती हैं, जो कठिनाइयाँ होती हैं उसके समाधान के लिए जो भी समय उपलब्ध होता है, सबके समय उपलब्ध होती हैं, इससे व्यक्तियों के विचार क्या होते हैं, सबके क्या होते हैं? संगठित होते हैं। और किलपैट्रिक ने अपने प्रोजेक्ट पद्धति को डीवी के सिद्धांत पर आधारित किया है। उसके बाद इसका है अर्थ की परिभाषा, किसकी परियोजनावादी, तो योजनावाद की आपकी क्या है, इसके बाद अर्थ में परिभाषा। सबसे पहले इसका अर्थ में देखो, इसके जो आपका परियोजनावाद का अर्थ है, परियोजनावाद में देखो आपके कि अभिकल्प हो गए, आपके अभिकल्प हो गए या प्रतियुक्ति होगी या भविष्य में जो भी घटने वाली घटना होगी, अभिकल्प हो गए, प्रतियुक्ति होगी, उसके बाद भविष्य में घटने वाली घटना होगी जिसका कि कोई क्रियान्वयन न हुआ हो, कि जो भी घटना होती है उसका कोई क्रियान्वयन ना हुआ हो, तो ये किसके अंतर्गत आता है? आपके परियोजना विधि के अर्थ के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपकी परिभाषा किसकी? किलपैट्रिक के अनुसार किसकी परिभाषा है आपकी? किलपैट्रिक किसकी परिभाषा है आपकी? किलपैट्रिक के अनुसार, किलपैट्रिक के अनुसार उन्होंने कब 1918 में
उन्होंने कहा थे कि जो आपका परियोजना एक क्या है, परियोजना एक जो आपकी परियोजना है 1918 में परियोजना क्या है, परियोजना एक स्वदेशी है, एक जो आपकी परियोजना है वो क्या है, एक स्वदेशी है, स्वदेशी क्रिया है, स्वदेशी क्रिया है, यानी कि उद्देश्य आपका क्या बनता है कि परियोजना एक स्वदेशी क्रिया है, स्वदेशी क्रिया है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण लगन के साथ संपन्न हो जाती है, पूर्ण लगन के साथ संपन्न हो जाती है, पूर्ण लगन के साथ क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है, जो हमारे लिए पैटिक हुए हैं के अनुसार 1918 में परियोजना एक स्वदेशीय क्रिया है जो कि सामाजिक वातावरण में पूर्ण लगन के साथ, यानी कि जो हमारा सामाजिक वातावरण है उसमें पूर्ण लगन के साथ क्या होती है, संपन्न हो जाती है। तो ये किसकी परिभाषा है, कि पैटिक की परिभाषा। अब आपकी जो दूसरी परिभाषा है वो किसकी है, वो है आपकी थॉमस, दूसरी परिभाषा आपकी है थॉमस एम लेन के अनुसार, थॉमस एम लेन के अनुसार उन्होंने कब कहा था, 1983 कब कहा था, 1983 में उन्होंने कहा था कि परियोजना 1987 में कहा कि परियोजना एक ऐच्छिक परियोजना एक ऐच्छिक तथा रचनात्मक ऐच्छिक तथा जो आपकी परियोजना है वो ऐच्छिक तथा रचनात्मक कार्य का रचनात्मक कार्य का विचार है जो निश्चित परिणामों को प्राप्त होता है। ये हमारे जो थॉमस लेन है उन्होंने 1983 में कहा कि परियोजना एक ऐच्छिक तथा रचनात्मक कार्य का विचार है जो कि निश्चित परिणामों को प्राप्त होता है। तो ये अपनी दो परिभाषा होगी किसकी, की पैट्रिक के अनुसार। फिर पैट्रिक ने कहा है कि जो हमारी परियोजना निधि है उसमें क्या है कि परियोजना एक स्वदेशीय क्रिया है, क्या है, स्वदेशीय क्रिया है जो कि सामाजिक वातावरण में पूर्ण लगन के साथ क्या होती है, संपन्न हो जाती है। उसके बाद दूसरे राइटर हुए हैं थॉमस एंड ग्रेन के अनुसार, उन्होंने 1983 में कहा कि परियोजना एक ऐच्छिक तथा रचनात्मक कार्य का विचार है जो कि निश्चित परिणामों को प्राप्त होता है, कि जो हमारे निश्चित परिणाम पहले से डिसाइड करके उन परिणामों को क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये आपकी दो परिभाषा होगी। अब इसमें आगे आपका आ जाएगा इसके सिद्धांत, कि जो हमारी परियोजना निधि है उसके कौन कौन से सिद्धांत है। पहले मैंने आपको इसमें करवाया था कि इसका जो है इसका अर्थ, उसके बाद इसकी परिभाषा, अब इसके क्या आ जाएंगे, सिद्धांत। अब इसके आगे तीन नंबर आ जाएगा सिद्धांत, इसके जो आपका जो ये प्रोजेक्ट मेथड है या जो आपकी परियोजना निधि है इसके सिद्धांत तीन नंबर। तो इसमें जो आपका पहला सिद्धांत है
पहला सिद्धांत है प्रयोजन। पहला सिद्धांत आपका इसमें आ गया प्रयोजन। पहला सिद्धांत आपका इसमें है प्रयोजन। प्रयोजन में देखो क्या होता है कि छात्र के समक्ष जब कोई कार्य रखा जाए, यानी कि छात्र के समक्ष अगर कोई कार्य रखा जाए तो उसका उद्देश्य होना चाहिए कि उसके कोई भी काम करे उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, उसको काम को पूरा करने के लिए उद्देश्य हो, तथा इसके उद्देश्य के बिना जो आपका बिना उद्देश्य के बिना प्रयोजन जो मंद बुद्धि बालक है भी किसी कार्य में क्या होगा प्रवृत्त नहीं होता, फिर क्या वो शिक्षा विधि क्यों। उसके बाद आपकी आ जाता है इसमें दो नंबर क्रियाशीलता। दो नंबर सिद्धांत आपका इसमें आ जाता है क्रिया। दो नंबर सिद्धांत आपका है क्रियाशीलता। दो नंबर सिद्धांत आपकी इसमें आ जाती है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता में देखो क्या होता है परियोजना विधि में जो आपकी क्रिया को प्रधानता दी जाती है, आपकी जो प्रयोजना विधि है उसमें है क्रियाशीलता में क्या होती है जो क्रिया होती है उसको क्या दी जाती है प्रधानता दी जाती है, इसे ही प्रमुख माना जाता है। जो कुछ भी बालक सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं स्वयं सीखते हैं, यानी कि हम बच्चे को अगर कहें कि तुम कबूतर लिखना सीखो या आप गिनती बोलना सीखो तो जब उसकी इच्छा होगी तभी वह उस चीज़ को सीख पाएगा, तो वो जब क्रियाशील यानी कि उसमें क्रियाशील होगा तो वो तभी उस चीज को क्या कर पाएगा सीख पाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है इसमें यथार्थता। तीसरा इसमें आपका आ जाता है यथार्थता। तीसरा इसमें आपका है जो वो है यथार्थता। यथार्थता में देखो क्या होता है यथार्थता में कि जो आपका जो ये योजना पद्धति के लिए किया जाने वाला कार्य बालकों के भावी जीवन यानी कि यथार्थता आने वाले टाइम में योजना पद्धति में किया जाने वाला कार्य जो है बालकों के भावी जीवन में क्या हो उपयोगी हो वह सार्थक हो। परियोजना यानी कि हम किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए सबसे पहले उसके बारे में क्या करते हैं सोच विचार करते हैं, कोई भी योजना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं परियोजना कहते हैं, और उसी के आधार पर हम क्या करते हैं कार्य को पूर्ण करते हैं। तो यह यथार्थता यानी कि इस बात का सत्य है कि जब जो भी चीज़ हम बच्चे को सिखाएंगे शिक्षक जो भी बच्चे को सिखाता है तो उसके आने वाले टाइम में उसके क्या काम आए उसके लिए वह क्या हो उपयोगी हो, तो ये किसके अंतर्गत आता है यथार्थता के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका आगे वाला पॉइंट है उपयोगिता। चौथा पॉइंट आपका इसमें आ जाता है उपयोगिता। चौथा पॉइंट आपका इसमें आ जाता है उपयोगिता। क्या आ जाता है चौथा पॉइंट इसमें आपका उपयोगिता। उपयोगिता में देखो कि जो आपकी उपयोगिता है बालक उन्हीं कार्यों में रुचि लेता है, यानी कि बच्चा उन्हीं कार्यों में रुचि लेता है जो उसके लिए क्या उसको क्या होते हैं उपयोगी प्रतीत होते हैं, जो कार्य उसके लिए उनके लिए उपयोगी हैं तथा उनकी जो तत्कालीन की आवश्यकताओं की क्या करते हैं पूर्ति करते हैं या उनसे संबंधित होते हैं, उन कार्यों के संपादन में उसको उनको क्या मिलती है प्रेरणा मिलती है और जिज्ञासा के साथ वो उन कार्यों को बच्चे क्या करते हैं संपन्न करते हैं और वे उनमें पूरी तरह से क्या करते हैं रुचि लेते हैं, अतः यह योजनाओं के लिए उपयोगी होना आवश्यक है, यानी कि जो भी हम योजना या परियोजना बच्चों के लिए बना रहे हैं तो वो उनके लिए क्या हो रुचिकर हो, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको वह पूरी कर सके और उन बच्चों की जो उन कार्यों के लिए उन ऐसे कार्य हों जिनसे कि उनको बच्चों को प्रेरणा मिले, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं उपयोगिता के अंतर्गत आते हैं। आगे पांचवा पॉइंट इसमें आ जाता है स्वतंत्रता। आगे पांचवा सिद्धांत इसमें आ जाता है स्वतंत्रता। यानी कि स्वतंत्रता जो भी योजनाओं का चुनाव किया जाए चुनाव और उनके समाधान के लिए समाधान में बालकों को क्या होना चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, योजनाओं के चुनाव में जो भी आपने योजनाएं बनाई हैं उनके चुनाव में बच्चों को क्या होनी चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, वे किसी भी प्रकार का क्या करें उनमें किसी भी प्रकार का कोई
बोझ अनुभव न होएगी, उन्हें बोझ ऐसा ऐसी योजनाएं मत बनाओ जिसका कि बच्चों को बोझ लगे, उसके लिए कि बच्चे को किसी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होए। योजनाएं दो प्रकार की होनी चाहिए, कौन कौन सी? सरल एवं जटिल। जो योजना है वो कैसी होनी चाहिए? सरल, दूसरी है जटिल। सरल और जटिल योजनाएं कैसी होनी चाहिए? सरल एवं जटिल होनी चाहिए। जटिल योजनाएं हैं जो वो कैसी होनी चाहिए? सरल व जटिल। तो सरल में है कि जो आपकी व्यक्तिगत योजना है, व्यक्तिगत योजना में जैसे कि हो गया केक काटना, गया भोजन परोसना हो गया, तो ये कौन सी योजना है? ये क्या हो जाती है? सरल योजनाएं हो जाती हैं। और जटिल जैसे आपको कि सामूहिक योजना जैसे जटिल बच्चे को कोई नाटक वगैरह करवाना है या किसी विद्यालय में कोई उत्सव की तैयारी करवानी है, तो वो योजना कैसे हो जाती है? बच्चे के लिए जटिल हो जाती है। उसके बाद है अतिरिक्त। छठा पॉइंट इसमें आ जाता है आपका अतिरिक्त। छठा सिद्धांत आपका इसकी योजना कहा जाता है अतिरिक्त। अतिरिक्त में देखो क्या होता है, जो आपके मितव्ययता का सिद्धांत है, मितव्ययता का सिद्धांत में सामाजिकता का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, ये सारे आते हैं। कि जो मैंने आपको पहले सिद्धांत बताए हैं कौन कौन से, जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से सिद्धांत, प्रयोजन का, क्रियाशीलता का, यथार्थता का, ये सिद्धांत बताए थे। उसके अलावा ये सिद्धांत भी इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं? जैसे कि सामाजिकता का सिद्धांत हो गया, अनुभव का सिद्धांत हो गया, सामाजिक अनुभव और समन्वय का सिद्धांत आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो मैंने आज आपको बताया था, इस क्लास में बताया था प्रोजेक्ट मेथड के बारे में कि हमारी परियोजना विधि की परियोजना विधि क्या होती है। परियोजना विधि में मैंने सबसे पहले आपको अर्थ बताया था कि जो भी हमारी योजना विधि है या जो प्रोजेक्ट मेथड है उसमें क्या, जो हमारी शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप, उसको शिक्षा प्रणाली में ये परियोजना है या योजना मेथड है, उसमें जो उसको व्यवहारिक रूप देने के लिए जो अमेरिकन वासी हेनरी किट्रिक पैट्रिक था, उसने जॉन डीवी पार्कर मैराथन हुए जैसे शिक्षा शास्त्रियों के शिक्षा सिद्धांतों को इस पद्धति में क्या किया है कि सिद्धांत की रूपरेखा तैयार की। कब? 1918 में। किल पैट्रिक जॉन डीवी जो हैं उन्होंने परियोजना विधि को से प्रभावित थे। वो क्या थे? किल पैट्रिक जॉन डीवी थे। वो परियोजना विधि जो हमारी है, प्रयोजन विधि जो है उसके उसे प्रभावित थे। डीवी का विचार था कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जब हमारे डीवी हुए उनका विचार था कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्हें सक्रिय अनुभवों द्वारा होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि अगर आपको लगता है कि हमें अपने स्कूल में खेल का मैदान बनाना चाहिए, तो स्कूल में खेल का मैदान बनाने के लिए पहले आप उस पर क्या विचार करेंगे? विचार जैसे कि आपको कितनी जगह चाहिए, कौन कौन से गेम्स लागू करने हैं और उनको खिलाने, बच्चों को गेम्स खिलाने के लिए विटे की आवश्यकता पड़ती है, तो इन सब योजनाओं को आप पहले से क्या करेंगे? तैयार करेंगे। तो ये क्या हो जाता है? अनुभव द्वारा होती है, जो कि हमें वास्तविक समस्या की कठिनाइयों, जो उसको मैदान को लागू करने के लिए हमारे सामने जो समस्याएं आ रही हैं अथवा कठिनाइयों के समाधान के लिए वो क्या होती हैं? उपलब्ध होती हैं। इससे व्यक्तियों का क्या होता है? विचार संगठित होते हैं। और किल पैट्रिक ने अपनी प्रोजेक्ट पद्धति में डीवी के सिद्धांत पर आधारित किया है, डीवी के सिद्धांत पर आधारित किया। तो इसके अर्थ में देखो कि योजना का शाब्दिक अर्थ है कि अभिकल्प होगी, प्रतियुक्ति होगी, अभिकल्प होगा या प्रतियुक्ति होगी या भविष्य में घटने वाली कोई घटना होगी जिसका कि क्रियान्वयन न हुआ हो, जिसका कि कोई क्रियान्वयन न हुआ हो पहले। उसके बाद किल पैट्रिक ने उसके बाद परिभाषा किल पैट्रिक ने 1918 के अनुसार परियोजना एक स्वदेशीय क्या है? स्वदेशीय क्रिया है। जो हमारा प्रोजेक्ट परियोजना विधि है वो क्या? परियोजना एक स्वदेशीय क्रिया है कि उसका क्या उद्देश्य है? जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण लगन के साथ किया जा सके, उसे संपन्न किया जा सके। उसके बाद जो हमारे थॉमस लेन के अनुसार 1983 में उन्होंने कहा है कि परियोजना एक ऐच्छिक
तथा रचनात्मक कार्य का विचार है। जो हमारी परियोजना है वो एक ऐच्छिक तथा रचनात्मक कार्य का विचार है जो कि निश्चित परिणामों को प्राप्त करता है। उसके बाद मैंने उसको आप सिद्धांत बताए हैं, तो सिद्धांत कौन कौन से बताए हैं? सबसे पहला सिद्धांत मैंने बताया प्रयोजन। प्रयोजन क्या होता है कि छात्रों और छात्रों के समक्ष ऐसा भी ऐसे कार्य रखे जाए जिसका कि उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि हम बच्चों के सामने उनको खेलने के लिए बोलें तो वो उस कार्य को उसके खेलने के उसके पीछे क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य सुद्देश्य। जैसे कहा गया है कि मंद बुद्धि बालक भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, फिर शिक्षाविद क्यों? उसके बाद आपका है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता यानी कि कार्य करके। परियोजना विधि में इन्हें क्रिया को क्या की प्रधानता दी जाती है? क्रियाशीलता यानी कि जब की जो परियोजना विधि है उसमें उसके अंदर क्रिया को प्रधानता दी जाती है, प्रधानता दी जाती है, जिससे कि क्रियाशीलता प्रदान करता है जो कि सभी बालकों के लिए, जो कि कुछ बालक उसको सीखते हैं वह स्वयं करके क्रिया करके सीखते हैं, जो कुछ भी बालक उसमें सीखते हैं स्वयं क्रिया करके सीखते हैं। उसके बाद यथार्थता, जो हमारी योजना प्रवृत्ति है उस योजना प्रवृत्ति में किए जाने वाले जो कार्य हैं वह बालकों के भावी जीवन में यथार्थों सत्यम कि बच्चों को ऐसे कार्य सिखाए जाए जो उसके भावी जीवन के लिए उपयोगी हों। उसके बाद उपयोगिता, बालकों को उन्हीं कार्यों बालक उन्हीं कार्यों में रुचि लेते हैं जो उनके लिए उपयोगी प्रतीत होते हैं, जो कार्य उनके लिए उपयोगी हैं तथा उनकी जो तत्कालीन की आवश्यकताएँ हैं आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित हैं उन कार्यों के संपादन में उनको क्या मिलती, प्रेरणा मिलती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उन कार्यों के संपादन में उनको करने की प्रेरणा मिलती है और जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वे उनमें क्या करते हैं पूर्ण रुचि लेते हैं। अतः योजनाओं का उपयोगी होना ही आवश्यक है कि योजनाएं ऐसी हों जो कि उपयोगी सिद्ध हों बच्चों के लिए। उसके बाद स्वतंत्रता, योजनाओं का चुनाव इस प्रकार का कि बच्चे योजनाओं के चुनाव और इसके समाधान के लिए बालकों को क्या होने, हमारी योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चों का चुनाव करें और उसके लिए वे समाधान, बालकों को स्वतंत्रता होनी चाहिए और वे इस प्रकार की योजना हो कि वो उसमें बोझ का अनुभव नहीं करें। योजनाएं दो प्रकार की होती हैं, सरल वेजिटेटिव। सरल योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत योजना आती है जैसे खेत बांटना हो गया, भोजन परोसना आदि हो गया। उसके बाद जटिल यानी कि सामूहिक योजना जैसे कि वो कोई नाटक वगैरह करते हैं तो वो ग्रुप में करते हैं, या कोई विद्यालय के उत्सव की तैयारी करवानी है तो वो कैसी योजना हो जाती है, जटिल योजना हो जाती है। उसके बाद है अतिरिक्त, इसके अलावा यानी कि जो आपकी मित्र व्यय का सिद्धांत में सामाजिकता का सिद्धांत आता है, मित्र व्ययता के सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिकता का सिद्धांत हो गया, अनुभव का सिद्धांत हो गया, समन्वय का सिद्धांत आदि की योजना पद्धति के सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं। तो मैंने जो आज करवाया है इसमें आपको शिक्षण विधियां करवा रही हूँ, इसमें आपकी फोर्थ यूनिट में जो शिक्षण विधियां हैं उसमें आपको पहला टॉपिक आज मैंने परियोजना के बारे में बताया है, परियोजन यानी प्रोजेक्ट मेथड। तो इसमें मैंने आपको आज अर्थ, परिभाषा और सिद्धांत करवाए हैं। इसके आगे जो भी स्टेप होंगे या इसके जो भी प्रकार होंगे या गुण होंगे दोष होंगे जो, तो वो मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगी। तो आज आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।